हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी फैमिली विजिट मैसूरू पैलेस फॉर द फर्स्ट टाइम आर रॉयल जर्नी। मतलब पहली बार पाकिस्तानी फैमिली ने मैसूरू पैलेस विजिट किया। पूरी फैमिली पाकिस्तान की आई थिंक गई हुई है इंडिया। फैमिली है या पाकिस्तानी फैमिली है ना भाई? मतलब फुल फैमिली। हाँ, फुल फैमिली गई भी इंडिया। यार बड़ी मैं हैरान हूँ कि पूरी भाई आजकल पाकिस्तानी बाकी बहुत जा रहे हैं, जा रहे हैं बहुत ज्यादा, मजा आता है। हो सकता है इनकी नेशनलिटी दूसरी कंट्री। हाँ, मोस्टली जो जाते हैं लेकिन है तो पाकिस्तानी। मोस्टली वीजा बड़ा इजिली मिल जाता है अगर आपके पास बाहर का पासपोर्ट है। पहले देखते हैं, मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज, नया इनका चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए। काउंट ऑन करते हैं। चल जी, अब मैं आ गई हूँ मैसूर पैलेस के पास। कल रात को हम आए थे मैसूर पैलेस में लाइटिंग देखने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली नॉट दिस गेट, या अदर गेट साउथ गेट में एंट्री। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें लाइटिंग नहीं देखने मिला था। लाइटिंग में रिटर्न है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। So we are continuing our journey from Lalita Mahal to Mysore Palace. So far so good, Alhamdulillah. Yeah, I think bahar ke hain, as you can hear, abroad Pakistani hain. We are having some language issues. Alhamdulillah, our driver knew thodi thodi Hindi and a bit of English, so we were trying to speak in English and Hindi. India mein mostly English bol hi lete hain. I'm sure he must have managed to understand us as well. I must say our driver was very honest and caring, which is why we decided to continue our journey with him. So I'm at the Mysore Palace now. अभी अभी हमने टिकट बाय की है और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ पे। सिर्फ वेट कर रहे हैं फैमिली का, वो लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं और भाई लोग के बाद देन वी आर गोना गो इनसाइड। लेट्स स्टार्ट फैमिली हुआ, एवरीवन अराउंड। अभी हम स्टार्ट करेंगे आवर जर्नी फॉर द मैसूर पैलेस। सो कम अलोंग विद अस, लेट्स गो इनसाइड। बर्निंग सनबीम्स एंड गॉड्स, द साउंड ऑफ लाइट शिफ्ट इज प्रोजेक्टेड। अच्छा, ये यार एंट्री कितनी रॉयल सी है भाई, यार ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी बड़ी मैं तारीफ करूंगा, वो इस जगह को मेंटेन कितना कर रहा है। ये लोग बैठने वाले हैं इस गाड़ी में और टूरिस्ट कितने आते हैं। सवारी बैठने लगी है, बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा, खुद कहते हैं कि चला के जाओ। हां हां, वेट कर रहे थे जी ड्राइवर का। ड्राइवर ने आने में थोड़ी हंसी मजाक किया, जी कितने में आप हमें लेके जाओगे। हंसी क्या हंसी, आप वेट कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर आया तो दूर है, स्टार्ट की ये पंजाब से, मेरे ख्याल से पंजाबी बोली है। कार एंड वी विल go around the four sides of the palace to just explore the outside of the palace. Achha, and then we'll start our journey inside. Pehle bahar se ghumenge. Yaar kitna bada palace hai, bahut bada palace hai yaar, bahut bada palace hai yaar. देखो ना भाई, फोटो पॉइंट 2 मिनट उतर उतर के। गाइस, इस पैलेस का एरिया कितना है? किसी को आउटसाइड द पैलेस, यहाँ पर उतर के हमने थोड़ी सी अपनी फोटोज ली, यादगिरें बनाई और बहुत गर्मी थी, आंखें भी नहीं खुल रही थी। पिक्चर्स लेना बहुत मुश्किल हो रहा था और जाकिर भाई को इतनी गर्मी लग रही थी कि जाकिर भाई ने बस जीनत आपा की फुल फैमिली कहते हैं बस मैनू फड़ाओ, अखा नहीं खुल दिया पिया। और ये जी मैंने और सैफ ने एक पिक्चर ली थी, मतलब आंखें नहीं खुल रही, अंदर की तरफ से ली है। और जो कल रात हम आए थे वो हमने बाहर से। वाह, सबसे प्यारा यार, रात को कितना प्यारा लगता है। का जायजा लेने के लिए ये पैलेस जुनसा है, ये इंडिया में कर्नाटका स्टेट के अंदर शहर है मैसूर, उसमें सिचुएटेड है और बहुत ही प्यारा पैलेस है। इस पैलेस टीपू सुल्तान का था ना या उन्हीं का किसी का, पता नहीं मुझे। गाइस ये कंफर्म कर ले किस राजा ने बनवाया था, और इसी वजह से लोग यहाँ ताजमहल के बाद ये बहुत फेमस है इसको विजिट करने हर साल। बड़ा कितना एरिया कितना है, ये अबाउट ऑलमोस्ट 7 acres की जमीन पर फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत ही प्यारी 7 buildings हैं और कोर्टयार्ड्स हैं और गार्डन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो महाराजा की फैमिली है वो अब भी इस पैलेस में
रहती है ऐसा हमें बताया गया है. आई एम नॉट टू श्योर बट हमारे गाइड ने बताया था. और पैलेस जो मतलब राजा की फैमिली अभी भी रहती है, उनके एक अलग साइड पे घर होगा जो है वो थोड़ा सा एरिया पर. अनफॉर्चुनेटली हमारी लक नहीं अच्छी थी कि जो हमें लाइट नहीं मिली. बाकी गाइस ये कौन से राजा ने बनवाया था कौन बताना. म्यूजियम भी है और उन्होंने म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं हम लोगों के लिए देखने के लिए. आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक टू द मैसूर पैलेस बोर्ड जिन्होंने इन चीज़ों को इतनी नाइसली सेव करके रखा हुआ है हम लोगों सही बात है तो गवर्नमेंट और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ताकि वो इतिहास से जुड़ सकें. और सही बात है. अभी यहाँ पर फेरी टेल जुन्सी है मेरे माइंड में स्टार्ट हो गई थी कि अंदर जाके क्या देखने मिलेगा वो राजा और रानी की कहानियाँ और वो सब यू नो इट वॉज गोइंग थ्रू माई हेड. सो बस जी अभी अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. तो लो जी मेरियाँ गल्लां बातें करते करते साडा सफ़र भी पूरा हो गया. सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड. चारों तरफ रास्ते में दिख गई थी गोली वाली बोतल तो उसने वो खरीदी उसको अपना बचपन याद आ गया. सो रियली एंजॉय इट. और गर्मी भी बहुत थी बनता भी था पानी पीना. साउथ साइड पे गर्मी पूरी है मतलब केरला साइड पे या साइड साउथ नहीं नॉर्थ हर तरफ इधर पाकिस्तान में बहुत गर्मी हो गई किया था एक गाय और साउथ साइड थोड़ी ज्यादा होती है. साउथ साइड थोड़ी ज्यादा अन्ना. अब हम अन्ना की जुबानी जानेंगे इतिहास की वो चीजें जो जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था. अन्ना अच्छा ये साथ गाइड नॉलेज वाले थे उनको बहुत सारी चीजों के बारे में मालूमात थी. एंड ही वाज अ वेरी जोली पर्सन. फुल सिक्योरिटी अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं ना. अन्ना मतलब भाई भाई नाम बहते हैं भाई पूरा ये भाई भाई. तो महल पे नवरात्रि होते हैं बाहर पेंटिंग होते हैं अंदर अभी तक दोबारा पेंट नहीं की. 1912 का पेंटिंग है. यह पूरा लिक्विड गोल्ड है वेजिटेबल कलर पीओपी है. चामुंडी माँ अभी भी इसी देवी को हर नवरात्रि पे महाराजा 9 दिन पूजा करते हैं. नवरात्रि को बोल लो अर्जुना लाती का सर है. 1955 में महाराजा दो जंगल हाथी ने बंडीपुर पे शिकार करके सिर काट के अंदर पीओपी भर के स्टफ की. अभी भी हर साल में 10 दिन बोलते हैं जजरे के मम्मी केमिकल वगैरह. अभी भी मेन डरन से दो है एक इधर है एक इधर है दो है ये असली हाथी है ओरिजिनल ओरिजिनल इसे केमिकल लगा दिए उस टाइम महाराजाओं के शौक कितने बढ़िया तो थे. हां भाई हाथी का है यार इसने कैनवस के ऊपर पेंट किया पूरा पेंटिंग बनने में 13 साल लगे. नया राजा नया रानी अन्ना ने बताया जो मौजूदा राजा हैं वो इस पीढ़ी की 27 जनरेशन में से हैं. वाओ 27 27वीं नस्ल अभी भी राजा है राजा रानी. उससे पहले की जनरेशन का हमें कुछ नहीं मालूम भाई पर अन्ना अभी भी राजा रानी है. पास्ट फॉर अस एंड वी वांटेड टू टेक सम पिक्चर्स सो वी रिक्वेस्टेड हिम दैट ही जस्ट टेक सम पिक्चर्स एंड आई विल कैच यू इन अ मिनट. सो उन्होंने हमें टाइम दिया उनकी मेहरबानी. यहाँ पर जी बहुत ही खूबसूरत मंजिल थे सिर्फ कहानियाँ याद आ रही थी राजा और रानियों की. वैसे अन्ना ने बताया कि इसी जगह पर राजा की शादी भी हुई थी जो करंट राजा है. ये मस्त उड़ंड और ये सब लकड़ी बर्मा का है. कार्विंग लोकल पीपल ने की है. ऊपर देखिए माँ लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ. इसीलिए पूरा महल में 24 दरवाजा है. राजा और महल में 24 है. स्थान मिला हुआ है ये मैसूर की रानी की तस्वीर है. ये उनके वो गाइड साथ है मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं सारा है ना. इसी तरह बहुत सारे राजा और रानियां जो 27 पीढ़ी से ऑब्वियसली चलते आ रहे हैं उनकी यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में तस्वीरें थी. यहाँ पिक्चर्स लगी हुई सारी तस्वीरें थी और कुछ तस्वीरें तो इस तरह से पेंटिंग की गई थी जैसे कि ये वाली और इसके नेक्स्ट वाली. वो ऐसा लगता था कि आपको ही फॉलो कर रही हैं. और ये तस्वीर है क्वीन एलेक्जेंड्रा और किंग एडवर्ड द सेवन की. हम पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सारे राज था ना थे बहुत ही खूबसूरत कुछ लकड़ी के थे कुछ चांदी के काफी थे. डिटेल ब्लॉग अन्ना ने बताया कि ये बॉक्सेस के अंदर महाराजा एक दूसरे को इनविटेशन भेजा करते थे ऑल द अदर महाराजास ऑन देयर वेडिंग्स और बर्थडे पार्टीज. मोबाइल तो होते नहीं थे तो यही चलता था. ब्यूटीफुल महल अपनी खूबसूरती बड़ा स्टाइल होता था मैसेज का. कदम पर महल की खूबसूरती निखरती जा रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था. इतनी कहानियां इतनी सोचें दिमाग में से गुजर रही थी और वी वर जस्ट थिंकिंग दैट यू नो हाउ वी आर going to come out of this.
बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर दिस पैलेस. और हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत और तस्वीरें ले ली जाएं यहाँ पर ओल्ड स्टाइल में. यू नो ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. व्हेन वी गोना लुक बैक एट दीज पिक्चर्स इन टाइम टू कम इट्स गोइंग टू ब्रिंग फुल स्माइल ऑन आवर फेस. अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू गो टुगेदर एंड अचीव आवर गोल to be on the family holiday together. Alhamdulillah. Kushtiyan kada. Kushtiyan. Abhi bhi har dasre mein ke rauni pe lal mitti hote hain to bhai iske saath hi hai niche var bhi pe log dikhte hain balcony pe royal family dikhte hain do sher ke beech mein abhi naya raja sone ki gaddi pe baith ke dekh aur do sher ki France ka England ka ya maharaja ki family private dressing room the to glass hai wo dono Italy ka hai Murano bolte hain. वो अलग क्लास. एक दो क्रिस्टल चेयर इधर एक इधर क्रिस्टल चेयर जो बेल्जियम का है. दो चांदी का चेयर ब्रिटिश वाइसराय चेयर. बीच में महाराजा की हाथी कृष्णराज वड़ियर के साथ 21 साल पालकी उठाते. 1940 पे हाथी गुजरते. वो गुजरने के बाद उसी हाथी के दांत और मेमोरी के दांत दोनों भगवान की मूर्ति एक माँ सरस्वती देवी गणेश जी. ओके बीच में होते हैं जंगल बाइसन या वाइल्ड आर्म्स. पहले का 100 years old. ये सब ओरिजिनल 100 years old. Original है ये 100 साल पुराने. Beautiful है लाएगा. Look at the ceiling यार. यार ये लकड़ी का काम कैसा हुआ उधर यार. This is the ceiling. Beautiful wooden carving. This all for mystic. देखिए मस्त चर्च भी दिखते हैं. ये कौन सा चर्च है? Saint Philomena's Roman Catholic Church. तो कृष्णा राजा वड़ियार ने बना के दी. महाराजा की लोकल आर्मी. ये रियल हीरो लोग हैं. लोकल आर्मी जी सर. मैसूर. ये वाला? हाँ. महाराजा ने दिए. कितना मस्त भगवान की सिर्फ चंदन का डस्ट आते ना इससे बने गणेश जी चामुंडेश्वरी कृष्णा गजलक्ष्मी महिषासुर चंदन की लकड़ी से बना क्या चंदन पुष्प याद है दशहरे में सोने का है ना. राजा की लाइफ साइज स्टैचू है. ये राजा की दरबार देखिए. दरबार कितना प्यारा है. आर्किटेक्चर देखो ना भाई. आर्किटेक्चर जो आकाश की चली पास जो लाइनिंग जो लाइनिंग लाइनिंग जो ही हकी काज की. इसी के साथ यार वीडियो खत्म. यार हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट. पहले तो यार जिस तरीके से देखो स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करके रखा हुआ है. जिस तरह से अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके एक मतलब मैनेज करके रखा हुआ है मुझे बहुत इंडिया की चीज अच्छी लगती है. अपने महलों मंदिरों जो मतलब जो बहुत पुराने मतलब जो हेरिटेज साइट होती है मतलब हिस्टोरिकल साइट उनको भारत सबसे में अच्छी बात पता है क्या. इंडिया इतिहास कभी भी नहीं भूलता. इंडिया अपना वो सारा इतिहास ये अगर एक माइंड में करने वाली बात है ना. ये हम पाकिस्तानियों का भी इतिहास था लेकिन हम इसको भूल गए. देखो बेशक हमारी लकीर वो हमारे बीच कर रही है लेकिन ये हमारा भी इतिहास था लेकिन आज हम पाकिस्तानी लोग इसको भूल गए हैं. लेकिन ये चीज भूलना नहीं चाहिए हमें. हमारा अरब वालों के साथ इतिहास नहीं है. हमारा असली इतिहास इस साइड पे है जो हमारा मतलब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट होता था. हिंदुस्तान बड़ा होता था असल हमारा. देखो हम बेशक बोले कोई बोले हम ईरानी है पाकिस्तान में बोलते कोई कहता हम तुर्की है. सही तो बात है. ये चीजें नहीं तुम सब लोग इंडियन हो लेकिन वही बात है कि अभी टाइम चेंज हो गया. अब भी राजा महाराजा वाला निजाम जो है ना ये आप राजस्थान साइड पे चले जाओ आप मैसूर पे आ जाओ. कुछ बड़े बड़े जो ये जगह थे पैलेस के इनके राजा अभी भी उनकी पीढ़ियां चल रही है. अभी भी उनकी फैमिली चल रही है इसी महल के अंदर. उनका एरिया जहाँ पर कोई जा नहीं सकता हो उनका प्राइवेट एरिया. यार एरिया कितना बड़ा है तुम देखो ना यार. और कितना प्यारा यार पहले से यार समझ. और पाकिस्तानी फैमिली देखो यार एक स्टोरी एक्सप्लोर करने आई है जो मुझे बहुत इनका अच्छा लगा. आपका इसके कहना है और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. सही बात है. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. तो यार बाय.